हेलो एवरीवन, आई एम पर्सनल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्णम मलेश्वरी के बारे में, जो कि पेपर वन ईवीएस का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट एस्पिरेंट्स वालों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा और इसमें से एक मार्क्स का आता ही आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम है वो ऑनलाइन होने लगा है और टुकड़ों में एग्जाम्स होते हैं, मतलब आज आधे बच्चों को होगा, फिर कल होगा, फिर परसों होगा, टुकड़ों में एग्जाम्स होते हैं। तो किसी के भी खाते में ये टॉपिक जा सकता है। तो हम लोग इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ पांच या छह ही बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ओके, तो अंत तक वीडियो जरूर देखते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी नई हूँ तो इतना आइडिया मुझे नहीं है। तो आप मुझे अगर लाइक करके सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कर्णम मलेश्वरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कर्णम मलेश्वरी आखिर थी कौन? ओके, तो जो कर्णम मलेश्वरी जो थी ना, वो वेट लिफ्टर थी, ऐसा वेट लिफ्टिंग करती थी। ओके, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करती थी वो। ओके, कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। ये क्वेश्चन हजारों बार आया हुआ है कि जो कर्णम मलेश्वरी थी वो कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश की थी, ये बात आपको याद रखना है। ओके, जो उनके फादर थे ना, वो कॉन्स्टेबल थे, पुलिस कॉन्स्टेबल। ओके, क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। उन्होंने 12 साल की एज में ही वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने मतलब किन्होंने? कर्णम मलेश्वरी ने। ओके, सिर्फ महज वो 12 साल की थी और उसी एज में उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट वेट 130 kg। और आज के डेट में जो कर्णम मलेश्वरी है वो 130 किलोग्राम तक का वेट उठा लेती है। ओके, कितना? 130 किलोग्राम का वेट उठा लेती है। कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। तो बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, इसमें कर्णम मलेश्वरी को 29 मेडल्स वो जीती हैं अपने मेहनत से, उन्हें मिला नहीं है। ओके, तो वो उन्होंने वॉन किया है 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, उनकी चार बहनें और भी हैं और वो भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं, वेट लिफ्टिंग ही करती है। ओके, अब देखिए ये जो पांच टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ गए? क्वेश्चंस ये नहीं आ रहा है कि कर्णम मलेश्वरी क्या थी, क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि कर्णम मलेश्वरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको जब आपको पूरा ये पूरा टॉपिक पता होगा, ये पूरे पॉइंट्स पता होंगे, तभी आप क्या कर सकती हैं, गलत कथन को टिक लगा पाएंगी, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कर्णम मलेश्वरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की थी, कर्णम मलेश्वरी 130 किलोग्राम का वेट उठा लिया करती थी, कर्णम मलेश्वरी के जो फादर थे वो पुलिस कॉन्स्टेबल थे, या कर्णम मलेश्वरी की 6 बहनें थी। तो कौन सा गलत होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, तो हम लोग ने कर्णम मलेश्वरी के बारे में क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो थी आंध्र प्रदेश की थी, एक वेट लिफ्टर है। ओके, जो उनके पापा थे पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी 4 बहनें भी थी जो की वेट लिफ्टिंग का ही काम करती थी। ओके, इसके बाद कितना, कौन से एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, 12 साल की एज में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, 130 किलोग्राम का वेट वो उठा लिया करती थी, अपने जीवन काल में इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने 29 मेडल्स जीते हुए थे और 4 बहनें थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एक मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू एवरीवन।